पूनम तेरा नाम रहेगा। जरूरत नहीं है, हमने यही एक गर्व है कि हमारी बेटी ने अपने जान दे करके, अपनी कुर्बानी दे करके मेरे देश का, मेरे हरियाणा का, मेरे गांव का और मेरे पूरे समाज का नाम रोशन किया है, यही हमें सबसे बड़ा गर्व है। बार बार चाहेंगे ऐसी ऐसी बेटी बार बार पैदा हो, बार बार आपका नाम रोशन करें। बिल्कुल, मैं चाहूँगा ऐसी बेटी पैदा हो, हर घर में हो, हर परिवार में हो, हर परिवार में हो, क्योंकि हमारे देश की एक लड़की कल्पना चावला थी जो अंतरिक्ष में गई थी और उन्होंने एक जो ठीक है वो अपने मिशन में कामयाब नहीं हुई, उससे बहुत से बच्चों को, बहुत से लड़कियों को एक प्रेरणा मिली है और उससे बहुत सी लड़कियां देश के लिए आगे बढ़ी हैं। बेटी के नाम कोई गांव में स्मारक बने, कोई स्कूल का नाम, बेटी का कोई लक्ष्य, जिससे कि जिसको देख करके, जिसको देख करके बार बार किसी बच्चों को, मतलब सभी को प्रेरणा मिले। इस तरीके से महान बेटी ने हमारे देश के लिए जान दी है। जिला परिषद की ये जान, हम सभी जिला पार्षद, हम इसके बहुत बढ़िया एक स्मारक बनाने के लिए हम हमारी मीटिंग करेंगे और हम इसको बनाए, क्योंकि मेरी बेटी भी एक जिला पार्षद है, अनमैरिड बेटी है। हम ये चाहते हैं सबकी बेटियां आगे बढ़े और देश का नाम रखे और स्कूल का नाम भी इस बेटी के नाम पर रखे जाए। जो हमारे गांव में स्कूल है उनका नाम भी इस बेटी के नाम पर, स्कूलों के नाम रखे जाए और इनों बेटियों के लिए जो कुछ भी है, स्टेडियम का नाम भी बेटी का नाम पर रखे जाए। और कौन गाँव में चीज़ बेटी का नाम रखे, जिसने अपनी जो कुर्बानी दी है देश के लिए, मुझे, मेरे परिवार और पूरे गांव को, हमें पूरा गर्व है। एक पिता होने के नाते जहां बेटी को खोने का दर्द है, तो वहीं शहादत बेटी ने दी है, गर्व भी महसूस हो रहा है। क्या आप इस प्रकार के रक्षा करते हैं गांव में? गांव में पहली बात तो ये है कि इंसान को एक दिन जब जन्म लिया है उसको जाना पड़ेगा, लेकिन जो इज्जत की जिंदगी से जो अच्छी, जैसे कि आज इस गुड्डी को शहीद होने का बाद जो मान सम्मान मिला है, उससे हमें किसी प्रकार का उसके जाने का दुख नहीं है, क्योंकि आज मेरे देश को ऐसी ऐसी बेटियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अंकल जी, अपने बेटे को मारने का या इधर उधर फेंकने का भी काफ़ी मामले सामने आते हैं, तो उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जो इस तरह की हरकतें करते हैं? ये बहुत बड़ी दुखदाई है, क्योंकि आज आप सबने देख लिया कि एक बेटी कहां तक पहुंच सकती है। ये उन लोगों की एक छोटी सोच है कि हमारी बेटी है, इसको ख़त्म कर दो, लेकिन मैं चाहता हूं कि आज जो बेटियां जितनी आज आगे हैं, और ये चाहता हूं कि ऐसी जो घिनौनी हरकत किस प्रकार की न करें और बेटियों को जन्म, उनका जन्म होने दें और उनके प्रवेश ऐसी करें कि मेरे देश की बेटी जो आसमान में देश का नाम और परिवार का और अपने जहां भी समाज का नाम रोशन करे।